अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो क्या है। तो जी व्यूवर्स, आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बैंगन अरबी। तो ये बैंगन अरबी कैसे बनेंगे, इसकी रेसिपी क्या है वो हम जानेंगे मम्मा से। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने ये जो हमारे बैंगन है और ये जो हमारी अरबियां हैं इन लोगों को हम लोग काट लें, ठीक है, सब्ज़ी बना लें। तो सब्ज़ी बनाने के बाद हम फिर दोबारा आपके साथ शेयर करेंगे ये जो हमारी आज की रेसिपी है बैंगन अरबी ये कैसे तैयार होगी। तो व्यूअर्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे बैंगन है और अरबी है उनको हम लोगों ने काट लिया। इससे पहले हम लोगों ने आपसे दिखाया था कि हम लोग जो है आज की हमारी रेसिपी बैंगन और अरबी की है तो वो हम लोग काट लें तो फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैंगन भी काट लिए हैं, अरबी भी काट ली है, प्याज भी काट लिए हैं और ये जो हमारे मसाले हैं ये जो हम लोगों ने इसके अपनी आज की रेसिपी में शामिल करने हैं। तो इसकी तरकीब क्या है अब हम पूछते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने ना प्याज छोटा सा काट लिया, एक ये ऑयल भी डाल दिया, ये मैं चूल्हे पर रख देती हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये बैंगन है काट लिए, अरबी है, ये दो टमाटर ले लिए मैंने, अरबी ना नमक लगा के मैंने धोई है ना इसलिए कटोरे में रखी है धो के, ठीक है। एक चम्मच मैंने मिर्च का लिया है, पौनी चम्मची हल्दी की, एक चम्मच मैंने नमक का लिया है, बस, ठीक है। तो मतलब अब हम लोग अपने चूल्हे पे रखे प्याजों की तरफ चलते हैं। हाँ जी। और देखते हैं कि जो हमारी मज़ेदार सी आज की बैंगन, तो मैंने ना बैंगनों में मिर्चें काट ली थी वो कैसे तैयार हो रही है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने अपने प्याज रखे हुए हैं बैंगनों के लिए, हम लोगों ने मतलब पहले इसका मसाला तैयार करना है, बाद में हम लोगों ने बैंगन शामिल करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्याज है वो ब्राउन हो रहे हैं, हमें बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा हम उनको कलर नहीं देना। तो जब तक ये हमारे प्याज हो रहे हैं हम लोग वेट करते हैं, हम लोग सीधे में टमाटर काट लें। और आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तभी आप मज़ेदार सी जो आज की हमारी रेसिपी है अरबी बैंगन की सीख सकेंगे। क्योंकि अरबियों का आपको पता है सीज़न है, तो अरबी गोश्त और अरबी बैंगन इसका मतलब आलू तो हम लोग डालते ही रहते हैं, आलू गोश्त भी बनता है, आलू बैंगन भी बनते हैं, लेकिन ये अरबी का सीज़न है। तो कुछ लोगों को मतलब हम लोगों से ठीक है आप लोग हमें बनाना सिखाएं, रिक्वेस्ट की हुई थी कि आप अरबी के साथ बनाना सिखाएं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों से पहले भी मैंने ये एक बार बात की थी कि लोगों को इश्यू होता है कि अरबी टेस्टी होती है और बनाते नहीं, जिनको खाने की तरकीब नहीं आती, तो इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया है कि कैसे आप लोग मतलब अरबी को नमक लगा कर इसकी टेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं और आप लोग कैसे इसकी रेसिपी तैयार कर सकते किसी भी सब्ज़ी के साथ। तो हम लोगों ने आपको बता दिया, उम्मीद है आपको आज की जो हमारी टिप है वो अच्छी लगेगी। और आप लोग अगर अरबी को बनाना चाहते हैं लेकिन पहले कॉन्शियस थे और इस चीज़ से ज़रा आप लोगों को हेजिटेशन थी कि हम लोग इसको कैसे बनाएं, तो वो अब आपका शो ख़त्म हो गया होगा। तो यहाँ पर प्याज हो रहे हैं हमारे, ये मैंने दो टमाटर डाल दिए, ये नरम हो गए। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने अपने प्याज़ों के साथ ही जो दो अधे हम लोगों ने टमाटर लिए हैं इनको हम लोगों ने डाल दिया है, थोड़ा सा इनको हम लोग भून लेते हैं। हाँ जी। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या ऐड करना है इसके अंदर। हाँ जी, ये मैंने मसाला डाल दिया। तो नाज़रीन, ये वही मसाला है जो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को शुरू से देखा है तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने कौन कौन से मसाले लिए हैं और कितने कितने मिकदार में लिए हैं। ये देखिए, मैंने अरबियाँ भी डाल दी। तो ये देखें, क्योंकि आज की जो हमारी रेसिपी है वो अरबी बैंगन है, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर इसका मसाला भून लिया। मसाला भूनने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो हमारा मेन इन्ग्रीडियंट अरबी बैंगन है, तो हम लोगों ने अरबी को पहले डाल दी क्योंकि अरबी को थोड़ा वक्त लगेगा। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर बैंगन शामिल करेंगे इसको भूनने के बाद। बस भून लिए ये। ये ले, अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है हमारे बैंगन मज़ेदार सी आज की ये जो हमारी रेसिपी है वो तैयार होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है। बस आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आप लोग मसाला मतलब भून रहे हो या बैंगन डाल रहे हो तो वो मसाला लग ना जाए, आँच का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। तो इसी तरह से आप लोगों ने ये जो बाकी सारे बैंगन हैं वो भी शामिल कर लेने हैं। बहुत ही आसान से झटपट बनने वाली रेसिपी, को मतलब इतनी लंबी रेसिपी तो है नहीं। लोग अक्सर ना गर्मियों में बैंगन अरबी बहुत पकाते हैं, तो खट्टे बैंगन भी जो उनसे होते हैं वो भी मतलब काफ़ी मशहूर होते हैं, तो ये भी हमारे खट्टे ही बनेंगे बैंगन।
तो कैसे बनेंगे, इसकी रेसिपी क्या है, मज़ेदार सी रेसिपी कैसे तैयार होगी, ये आप लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पर अब मम्मा ने इसको भूनना शुरू कर दिया है, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तभी ये जो हमारे नमक मिर्च मसाले हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्टली और अच्छे अंदाज से इसको हम लोग यहाँ पर हिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, अब ना इसे रख देंगे फिर दोहा पे। ठीक है, तो वीवर अब हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं, तो फिर हम आपको दोबारा दिखाते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी वीडियो को पूरा देने के लिए कुछ स्किप नहीं करें, तभी आप मज़ेदार से जो अरबी बैंगन है बनाने सीख सकते हैं। अब देखते हैं इसे खोल के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अभी पक रही है, जबरदस्त बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे ये देखें आप, पानी भी छोड़ दिया इन्होंने बैंगनों ने, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, अभी और भी सख्त है। तो मतलब मजीद अभी इसको हम लोग कुछ और देर के लिए पकाएंगे। हाँ, दम पर रख दे फिर इसे हम लोग। हाँ जी, बस ये ना आग पे रख देते हैं, 10-5 मिनट में हो जाएंगे ये, फिर दिखाते हैं आपको। ये पानी भी खुश्क हो जाएगा और बियाँ भी गल जाएंगी। ठीक है, फिर तो व्यूअर्स फिर हम लोग अभी वेट करते हैं तकरीबन, जब तक हमारी अरबियाँ नहीं गलती तो हम आपको दोबारा दिखाते हैं। हाँ जी, ये हमें ढकना उठाने लगे इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पर, और आप लोग देख सकते हैं कि पानी भी खुश्क हो गया है। हाँ जी, अब बस घी आ जाए, भुने गए हैं ये देखिए ना, अरबियाँ भी गल गई हैं, ये देखें अरबियाँ भी गल गई हैं। अरबियाँ भी गल गई हैं, ये देखें घी आ गया इसके ऊपर, अरबियाँ भी हो गई हैं। बस अब डिश आउट करते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ये जो हमारी आज की रेसिपी है बैंगन अरबी की, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। घी इसके ऊपर आ गया, कुकिंग ऑयल हम लोगों ने शामिल किया था, तो पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और जो अरबियां हैं वो भी गल चुकी हैं। तो अब हम लोग इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जो कि आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई, और वह रेसिपी है अरबी बैंगन। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, देखें ये देखें, देखिए घी भी माशाल्लाह इसका आ चुका है, और हांडी हमारी जो बहुत ही मज़ेदार सी जो है तैयार हो गई है, अरबियाँ भी गल गई हैं। ये देखिए आप, दिखने में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा लग रहा है ये, और खुशबू भी बहुत अच्छी इसकी खट्टी सी आ रही है, मज़ेदार सी। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फ़ीडबैक दें, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसको बआसानी बना सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल अरबी का सीज़न भी है, तो आप लोग इसको बनाएं और ट्राई करें और हमें अपनी फ़ीडबैक दें कि आपको जौन सी ये आज की हमारी रेसिपी है अरबी बैंगन वो कैसी लगी। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी सीख सकें। तो हम अपने तमाम जन बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कॉमेंट करते हैं, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, हमें आप सब बहन भाई के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, अब हम आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।